नमस्कार दोस्तों, मैं समीरन बैनर्जी आपका स्वागत करता हूं ग्लोबल होम विंडेज की एक नई वीडियो में। आज हम अगेन दिखाने वाले हैं आपको 2 BHK अफोर्डेबल प्राइस में। अफोर्डेबल प्राइस जब भी हम बोलते हैं दोस्तों, तो उसका मतलब हम लोग हमेशा प्राइस पे फोकस करते हैं ताकि एक मिडिल क्लास फैमिली आराम से अपना ड्रीम होम प्लान कर सके। तो दोस्तों आज जहाँ मैं आया हूँ वो हैप्पी चौक उत्तम नगर गली। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी चौड़ी गली है, बिल्डिंग का खूबसूरत एलिवेशन, प्लस पास ही में मार्केट वगैरह के लिए आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है। काम अभी भी चल रहा है हमारी बिल्डिंग में बहुत ज़ोरों शोरों से। गली काफ़ी चौड़ी है, गाड़ियाँ बहुत आराम से आ सकती है, पीछे बहुत बड़ी पार्किंग है, देख पा रहे हैं जैसे कि आप गाड़ियाँ जा रही है, उसके बाद भी स्पेस काफ़ी बचता है गली के अंदर, आराम से टू व्हीलर निकल सकता है। बैटरी रिक्शा कनेक्टिविटी के लिए हमेशा आपके डोर स्टेप पे बिल्डिंग के नीचे ही आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। बैटरी रिक्शा हमेशा खड़े रहते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं इस फ्लैट के साथ, अफोर्डेबल फ्लैट, पार्किंग बहुत खूबसूरत है। मैं आपको दिखाऊंगा इसकी पार्किंग, और पार्किंग के साथ साथ चलेंगे फटाफट से अपने फ्लैट में, और फ्लैट में जाके दिखाता हूँ कि कितना शानदार और कितना खूबसूरत फ्लैट बनाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी पार्किंग में। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ी पार्किंग है, आराम से इसमें आप 4 व्हीलर अपना पार्क कर सकते हैं, 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। हमेशा की तरह मीटर के प्रोविजंस दिए हुए हैं, दोनों साइड पर दे रखे हैं, एक राइट साइड में दे रखा है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर भी दे रखा है मीटर का प्रोविजन, जैसे कि हम लोग हमेशा बताते हैं। पार्किंग के अंदर भी टाइलिंग का काम किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कम से कम 4-4 फुट तक की टाइल्स दे रखे हैं यहाँ पे। फॉल सीलिंग का काम चल रहा है पार्किंग के अंदर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चल रहा है अभी, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, फिनिशिंग का काम चल रहा है बेसिकली फ्लैट में चल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस पार्किंग के अंदर सबसे बेस्ट फैसिलिटी जो अभी अवेलेबल है, स्टेयर्स है, और स्टेयर्स के बिल्कुल साथ में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिफ्ट का प्रोविजन भी दिया हुआ है। तो लिफ्ट है, स्टेयर्स है, पार्किंग है, बहुत ही अमेजिंग प्राइस है इसका, लिफ्ट पार्किंग के साथ। तो फटाफट चलते हैं आप अपने फ्लैट में, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, और फ्लैट दिखाते हैं आपको कितना खूबसूरत फ्लैट बना हुआ है और उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने फ्लैट में। सो दोस्तों आ गए हम लोग अपने 2 BHK के एंट्रेंस पे हमेशा की तरफ। जैसे कि आप जानते ही है हम लोग हमेशा आपकी कम्फर्ट का ध्यान रखते हैं, स्टेयर से चढ़ते ही आपका फ्लैट है, बहुत ही प्रीमियम स्पेस है फ्लैट के बाहर भी, आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छा स्पेस दे रखा है, ठीक है। और हमेशा की तरह लिफ्ट से बहुत ही पास में आपका फ्लैट, ये लिफ्ट है, बहुत ही अच्छी जगह पे, बाहर डोर बेल आपको मिली रही है, यहाँ पे हम लोग प्रोविजन आपको लगा के दे रहे हैं, मीटर बॉक्स हमेशा की तरह घर के बाहर। अब फटाफट चलते हैं, लेकिन चलने से पहले एक बार डोर देख लीजिए, क्या पैटर्न में डोर दिया है, बेहतरीन टेक्सचर, अलग अलग बहुत बढ़िया पैटर्न बना के दिए, एसी पैटर्न के सारे डोर्स लगे हुए हैं इस घर के अंदर। और ये हम आ गए अपने 2 BHK के एंट्रेंस पे, बहुत ही शानदार हॉल, बहुत ही स्पेशियस हॉल दिया है यहाँ पे। हॉल का साइज एक बार मैं बता देता हूँ आपको, 10x14 का हॉल का साइज है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आप अपना सोफा आराम से यू शेप में, मैं आपको शेप समझा देता हूँ एक बार, यू शेप में आप अपना सोफा इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, उस वॉल से लेकर टेक्सचर वॉल एंड देन यहाँ पर आराम से यहाँ पर आप लोग यू शेप में अपना सोफा प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा स्विच सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपना स्टैंडिंग लैम्प या कोई भी शो पीस कुछ भी आप रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके साथ कनेक्शन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बहुत ही आराम से कनेक्ट हो सकता है। जो वॉलपेपर आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये वॉलपेपर बहुत ही शानदार वॉलपेपर है, 3D लुक में वॉलपेपर है, आई कैन फील दैट, ये प्रॉपर डिज़ाइनिंग के साथ दिया हुआ है ये वॉलपेपर। सबसे बढ़िया चीज़ है इस फ्लैट के अंदर की वॉलपेपर आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब जहाँ मैंने आपको बताया इस हॉल के अंदर आप सोफ़ा प्लेस कर सकते हैं, मैं एक बार फटाफट से आपको एंट्रेंस से इसका प्रॉपर एक ड्राइंग में आपको समझा देता हूँ कैसा है ये फ्लैट। सो यहाँ से मैंने एंट्री की, ये मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पे, ये हॉल है, यहाँ पे मैं हॉल में खड़ा हूँ। इस साइड पर आप देख रहे हैं कि एक रूम इस साइड है, एक रूम बिल्कुल गेट से एंटर करते ही है, गेट से एंटर करते ही सामने किचन है। तो ये इसका प्रॉपर डिज़ाइन दिया हुआ है। सो जैसे भी आप एंट्री करते हैं सामने हॉल है, दोनों साइड पर 2 रूम है और एक साइड पर किचन है, सारी इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। अब मैं बात करता हूँ सबसे बढ़िया इसके फॉल सीलिंग की, आप देखिए कितना सिंपल फॉल सीलिंग है लेकिन कितना बढ़िया लुक आ रहा है इसके अंदर की, मतलब एक बहुत शानदार पैटर्न दिया हुआ है इसके अंदर, कॉब लाइट, LED लाइट्स, ये भी आप अपने पसंद के लगवा सकते हैं। अगर आपको LED लाइट्स ब्लू कलर में नहीं चाहिए, आपको चेंज कराना है, आप इसका कलर भी चेंज करवा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमने ब्लू कलर दे रखा है इसके अंदर, आप इसको चेंज करा सकते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स हैं, एंटीस्केट टाइल्स हैं, टाइल्स में मतलब आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्लिप नहीं होंगे आप।
अब मैं दिखाता हूँ, जहाँ मैंने आपको दिखाया सोफा आप वहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस तरफ हमने दिया हुआ है प्रोविजन आपको, अपना एलईडी पैनल आप यहाँ पे फिक्स करवा सकते हैं, इस वॉल पे आप अपना एलईडी पैनल फिक्स करवा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें दे रखी है हमने आपको, सॉकेट्स प्रॉपर दे रखे हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी एक स्विच सॉकेट दे रखा है, अगर आपको फ़ोन वगैरह चार्ज पे लगा के यहाँ छोड़ना है यहाँ पे दे सकते हैं। पूरे रूम की लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे स्विचेस दे रखे हैं। अब हॉल से चलते हुए पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपना किचन, स्पेशियस किचन है आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो वॉल पे टाइल्स यूज़ किए हैं, बड़ी टाइलें यूज़ की हैं, छोटी टाइल्स कोई यूज़ नहीं करी है यहाँ पे। अगेन सारी चीज़ों का प्रोविजन यहाँ पे दे रखा है, किचन की सारी लाइट्स का एक्सेस देख रहे हैं आप, मैंने लाइट्स ऑन कर दी है किचन की। किचन के अंदर भी हमने यहाँ पर कॉब लाइट्स और एलईडी लाइट का दे रखा है आपको, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आप अपनी फैंसी लाइट लगवा सकते हैं, अगर आप कहेंगे तो फैंसी लाइट का प्रोविजन हम आपको यहाँ पर करा के देंगे, बहुत ही बढ़िया फैंसी लाइट। यहाँ पर आप अपने एक्स्ट्रा लाइट्स के लिए यहाँ पर आप अपना एक्स्ट्रा बल्ब लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो। अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको किचन के अंदर स्पेस कितना है। इस साइड पे मैं फेस करके खड़ा हूँ दोस्तों, आपकी तरफ पीट किया उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन इस साइड पे मैं फेस करके खड़ा हूँ। यहाँ पर आप फेस करके किचन में खाना बना रहे हो तो कोई भी आराम से यहाँ पर, अगर वॉशिंग करनी है बर्तन वगैरह कोई भी आपके साथ काम कर रहा है किचन में, तो आराम से कर सकता है वॉशिंग, बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ यहाँ पर। अब बात करता हूँ किचन चिमनी, ये किचन चिमनी आपको हम लगा के दे रहे हैं, आपको अलग से कोई खर्चा नहीं करना है। हमेशा की तरह मैं आपको स्पेस दोबारा दिखाता हूँ, ये सिंक के नीचे का स्पेस है जहाँ पर मैं हमेशा की तरह बताता हूँ आपको कि सेम चीज़, सिंक का स्पेस खाली सिलेंडर रखने के लिए, बड़े कंटेनर रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, प्रॉपर ओपन टू ओपन वन टू वन स्पेस है। इधर से पूरा आप देखेंगे यहाँ तक पूरा स्पेस है, ये मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाता हूँ, पूरा स्पेस है ये देखिए। यहाँ पर आप बड़े कंटेनर, चावल आटा दाल के कंटेनर्स आप यहाँ पर ईजीली रख सकते हैं। अब मैं ये दिखाता हूँ आपको, देखिए मॉड्यूलर किचन, कटलरी आइटम्स वगैरह रखने के लिए, ये बहुत ही चीज़ें, मतलब ये चीज़ें ना अक्सर लोगों को खर्च करके कभी कभी लगवानी पड़ती है अपने घर में, लेकिन हम आपकी फैसिलिटी, आपकी कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें आपको लगा कर दे रहे हैं। देखिए बड़े बर्तन वगैरह रखने के लिए यहाँ पर आप रख सकते हैं, सब चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। अगेन वही सेम चीज़ यहाँ पर आपका मसाले के डब्बे रखने की जगह, ये स्पेस दिया आपको आरओ रखने के लिए, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा आपका आरओ का। लाइट की कोई कमी नहीं है, स्पेस की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हमने स्पेस का। इसका पैटर्न देख रहे हैं आप दोस्तों, कितना कितना खूबसूरत पैटर्न दिया हुआ है इसके ऊपर, लाइक एक 3D टाइप का पैटर्न दिया हुआ है हमने इसका, इतना शानदार। इधर का भी ओपन होता है, ये भी ओपन हो रहा है, तो इतनी सारी जगह आपकी किचन के अंदर आपको मिल रही है ना। तो जहाँ मैंने बात की किचन की, इतना बढ़िया किचन दिखाया मैंने आपको, सो अब मैं आपको दिखाऊंगा इस फ्लैट के दोनों बेडरूम। बेडरूम दोनों ही मास्टर बेडरूम हैं, क्योंकि इन दोनों में हमने अटैच वॉशरूम आपको दे रखा है। तो जो मैंने बताया था डोर से एंटर करते ही राइट साइड में जो रूम है, मैं आपको वो रूम दिखाता हूँ। पहले रूम के साइज़ की बात करता हूँ, सबसे पहले वॉलपेपर और फॉल सीलिंग में मैं बाद में जाऊँगा, पहले रूम की साइज़ की बात करता हूँ। तो 10x9 का ये रूम साइज़ है, जिसमें इजीली आपका 6x6 या 6x7 का क्वीन साइज़ किंग साइज़ बेड आराम से आ सकता है। उसके बाद भी आप अपना वार्डरोब अलमीरा जिस साइड पे भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। हमेशा की तरह बेड की साइड में दोनों साइड स्विच बोर्ड विद सॉकेट। अब बात करते हैं इसके वॉलपेपर की, चेक्स में इतना शानदार वॉलपेपर दिया है ना, मज़ा आ गया वॉलपेपर देख के। मतलब आपके रूम के अंदर ये वॉलपेपर लगा हुआ है तो आप देखिए, आपको मैंने क्लोजअप दिया है इसका, अब आप खुद देखिए कि कितना बढ़िया वॉलपेपर है ये। मतलब लग नहीं रहा है वॉलपेपर, ऐसा लग रहा है टेक्सचर पेंट किया हुआ है इसके ऊपर, पूरी टेक्सचर की फील दिया हमने। अब इसका फॉल सीलिंग दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि जब आप अपने रूम में एंटर कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से कॉब लाइट्स, एलईडी लाइट्स, सब कुछ ब्यूटीफुल। अब इसका वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं आपको, तो वॉशरूम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वॉशरूम का साइज़ भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। यहाँ पे लाइट्स अभी हमने लगाई नहीं है, सैनिटरी फिटिंग से भी लगाई नहीं, ये हम उसी दिन लगाएंगे जिस दिन पार्टी शिफ्ट होती है। आराम से देख रहे हैं आप, मिक्सचर टैप्स, शावर का प्रोविजन, यहाँ पे शावर लगेगा आपका, यहाँ पर एक वॉश बेसिन लग जाएगा आपका, ठीक है। इस साइड पर आपकी सीट लगेगी, टॉयलेट की सीट लगेगी इस साइड पर आपकी। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर गीजर का प्रोविजन दिया हुआ है, स्विच भी दे रखा है यहाँ पे। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हम फ्लैट में एंटर कर रहे थे कि हर
रूम और हर वॉशरूम या छोटी सी छोटी जहाँ पे भी आप जा रहे हैं पैटर्न आपको सेम मिल रहा है डोर का। एक बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे, मतलब नॉर्मल जो कुंडी कहते हैं हम नॉर्मल हिंदी में, वो देखा होगा आपने अपने घर में भी देखा होगा, इसकी कुंडी देखिए ज़रा एक बार, मेरे को बहुत प्यारी लगी ये कुंडी, मतलब एक एक अलग पैटर्न एक अलग लुक में दे रखी है कुंडी, बहुत अच्छा लगा मुझे। छोटी सी चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत प्यारी चीज़ है ये जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको अपना सेकेंड बेडरूम जिसके साथ आपको बालकनी मिल रही है, ठीक है। तो आप इसको भी एज अ मास्टर बेडरूम कंसिडर कर सकते हैं। इसका सबसे प्लस पॉइंट पहले चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका वॉलपेपर अमेजिंग वॉलपेपर है दोस्तों, मतलब 3D वॉलपेपर, एक अलग ही टेक्सचर है। अगर आपको इसे चेंज करवाना हो, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, आप इसे अपनी पसंद से चेंज भी करवा सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा प्राइस आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चेंज करा के देंगे इसको। अगेन इस बेडरूम में भी एक साइड पर आपको पावर का स्विच मिल ही रहा है। यहाँ पे फॉल सीलिंग दिखा देता हूँ, सर्कल शेप की एक फ्लावर टाइप का फॉल सीलिंग दिया हमने यहाँ पे आपको। इसमें अभी LED लाइट्स जो है हम लोगों ने आपके लिए छोड़ी है कि एक रूम में आप अपने हिसाब से LED लाइट्स चूज कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको लगवानी हो। कॉप लाइट्स देख ही रहे हैं आप लोग, हमने लगा के दी है, लाइट्स हैं, फैंस हैं, सब कुछ मिलेगा। इस रूम में भी फैन लगा नहीं है, फैन लगने वाला है और जल्दी काम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया काम चल रहा है। बालकनी में मूव करने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम। टाइलिंग देखिए दोस्तों, मतलब एक अलग ही पैटर्न, एक अलग टेक्सचर दिया हुआ है यहाँ पे, टेक्सचर बेस काम किया है, जितना भी काम किया है यहाँ पे सारा टेक्सचर बेस काम किया है। तो सेंटर का जो पोर्शन है उसमें पूरा टेक्सचर टाइल दी हुई है, ये देखिए पूरा ये पिलर एरिया है आपका, इसको टेक्सचर टाइल से कवर कर दिया है ताकि कभी भी सीलिंग की या पिलर में किसी भी तरह के लीकेज की कोई इशू ना हो, इसको पूरा कवर करके दिया है, एंड टू एंड टाइल्स लगा के दिए। इसमें वॉल टू वॉल टाइलिंग है पूरी। इस साइड पर मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, इस साइड पर आपका टैप्स एंड शावर का प्रोविजन है, ये मिक्सचर टैप है, शावर का प्रोविजन इस साइड पर दिया है इस वॉशरूम में। यहाँ पर आपका वॉश बेसिन लगेगा, यहाँ कॉर्नर में आपकी सीट लगेगी और गीजर का प्रोविजन विद स्विच सॉकेट। एक बार मैं जो कैमरा मैन उनको बोलूँगा कि एक बार मैं बाहर आ जाता हूँ, वो दिखा देंगे यहाँ से। यहाँ पर इन्होंने एग्जॉस्ट का एक प्रोविजन दिया हुआ है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट का प्रॉपर प्रोविजन है, मतलब यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको वेंटिलेशन की। अब दिखाता हूँ मैं आपको इसकी बालकनी, लेकिन बालकनी में मूव करने से पहले एक बार आप विंडो देख लीजिए, बहुत बड़ी विंडो दे रखी है। बालकनी नहीं भी खोल लिया, बालकनी में नहीं भी जाना चाह रहे हैं, ये मैंने विंडो ओपन कर दी, ये आप देखिए विंडो, विंडो AC का प्रोविजन। इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हमेशा की तरह आप देख रहे हैं फिक्सिंग हमने करा के दिया आपको, कहीं नहीं जाना आपको, कहीं भाग दौड़ नहीं करानी है। AC लगाइए, कनेक्शन की वायर दीजिए, MCB स्विच के साथ हर चीज़ वर्किंग है यहाँ पर, छोटी से छोटी हर एक चीज़ वर्किंग है। अब दिखाता हूँ आपको बालकनी, ये डोर बंद हो गया है, ये आ गए हम लोग अपनी बालकनी में। ऑल्दो ये बैक साइड की बालकनी है लेकिन बहुत ही स्पेशियस बालकनी दे रखी है यहाँ पे आपको। अगेन वॉशिंग का एरिया है आपका ये, यहाँ पर अपनी वॉशिंग मशीन आप प्लेस कर सकते हैं, स्विच हमने दे दिया है, टैप का प्रोविजन है, एंगल जम हमेशा की तरह लगा के देते हैं आपको कपड़े सुखाने के लिए, आपको रेलिंग भी कपड़े नहीं डालने हैं, आप यहाँ पर एंगल में लगाइए, अपनी वायर्स लगा दीजिए, आप अपने आराम से कपड़े सुखा सकते हैं। आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ आती है दोस्तों, इसका हम लोग आपको एक इमेज हम आपके साथ शेयर करेंगे, अमेज़ॉन पर आपको बहुत इजीली मिल जाती है, वॉल पर आप अपना हैंग कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको बाहर कपड़े नहीं सुखाने हैं, एक वॉल हैंगर आता है, आप उसको आराम से यहाँ पे इंस्टॉल करा लीजिए, जितना आपको एरिया चाहिए उस एरिया के हिसाब से आप इंस्टॉल करा लीजिए, आराम से इस पर कपड़े आप सुखा सकते हैं। यहाँ पर उसकी जगह भी दे रखी है ताकि बारिश वारिश में कोई दिक्कत ना हो। एक छोटी सी चीज़ आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पर, ऑल्दो लाइट लगी नहीं है लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा लाइट का पॉइंट दे दिया हमने, ये लाइट्स हम आपको कंप्लीट करा के देंगे जब आपको फ्लैट हैंड ओवर करेंगे। हर एक चीज़ सैनिटरी फिटिंग से लेकर बात करता हूँ अगर मैं लाइट्स की, LED लाइट्स जो हमने आपको दिखाया, हर एक चीज़ आपको एज इट इज़ मिलेगी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई और जिसका शायद आप इस पूरी वीडियो में वेट भी कर रहे होंगे कि इसका प्राइस, तो चलते हैं फटाफट। कमल भैया आज भी हमारे साथ अवेलेबल है। तो दोस्तों हमेशा की तरह अमेजिंग फ्लैट आपने देखा, अब इसकी प्राइस के लिए देखिए कमल भैया हमारा वेट कर रहे हैं हॉल में बहुत देर से, तो फटाफट चलते हैं, मैं गेस नहीं करूँगा, डायरेक्ट चल के प्राइस पूछ लेते हैं।
लिफ्ट दिखाई थी मैंने आपको, पार्किंग दिखा दी है, लिफ्ट और पार्किंग के साथ इसका क्या प्राइस है? तो कमल भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बताइए कैसे हैं? मैं बस बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा फ्लैट दिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक क्लाइंट को। अब मुझे फटाफट से जानना है कि इसका प्राइस आपने क्या रखा है लिफ्ट और पार्किंग के साथ। इसमें कौन सी पार्किंग है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, डिटेल्स थोड़ी बताइए आप मुझे। सर इसमें टू व्हीलर फोर व्हीलर दोनों ही है। टू व्हीलर और फोर व्हीलर, हाँ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर है, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हमने पैटर्न रखा हुआ है। हर किसी को गाड़ी पार्किंग नहीं दे रहे हैं, जिसकी जैसी नीड है उसको गाड़ी पार्किंग दे रहे हैं। ठीक है, तो गाड़ी पार्किंग दोस्तों जिस जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको कार पार्किंग भी मिल सकती है। अगर आपके पास टू व्हीलर है तो टू व्हीलर पार्किंग भी मिलेगी, पार्किंग की कोई समस्या नहीं है। कहीं रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, कहीं रोड पे बाइक पार्क नहीं करनी है, सेफ्टी का ध्यान हमेशा की तरह जैसे हम रखते आए हैं आगे भी रखेंगे। तो अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर पार्किंग के साथ इस अमेजिंग 2 BHK का क्या प्राइस फाइनल है जो क्लाइंट आए और चाय भी ले जाए आपसे? चलिए सर आपकी समस्या मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये हम नॉर्मल प्राइस पे लेके आए हैं, जिसके क्लाइंटों की रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास कि सर हमारा बजट कम है और बजट कम होने की वजह से हमें वो फैसिलिटी वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमारी रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली मैं 751 में 17,51,000 में डबल बाथरूम साथ विद लिफ्ट टू व्हीलर पार्किंग साथ ये फ्लैट लेकर आया हूँ। सो बताइए कैसा है? 17,51,000 में टू व्हीलर पार्किंग लिफ्ट के साथ 2 BHK फ्लैट, डबल बाथरूम, अमेजिंग फ्लैट। आपको मैंने पूरा फ्लैट दिखाया, वीडियो बहुत अमेजिंग थी। 17,51,000 में ये फ्लैट फाइनल है, फाइनल प्राइस है दोस्तों इसका। तो आप अपने साथ जैसे कि हमेशा कहते हैं बुकिंग अमाउंट 10% आप लेके आइए और फ्लैट की चाबी आपकी। इसमें मैं आपसे कुछ कहना, अच्छा प्लीज़ बताइए। इसमें सर 10% की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली 21,000 आप देंगे, बाकी लोन हम करवा देंगे। 100% लोन है सर, 100%। और क्या चाहिए आपको? मैं तो फिर भी 10% कह रहा हूँ आपको। कमल भैया ने बेस्ट ऑफर दिया है, तो ये कह सकते हैं कि ये एक बेस्ट ऑफर है आप लोगों के लिए। जो प्राइस उन्होंने बताया उतना प्राइस आप अपने साथ लेके आइए, उतना अमाउंट ले आइए आप, फ्लैट की चाबी आप ले जाइए। 100% लोन फैसिलिटी 17,51,000 में विथ टू व्हीलर पार्किंग एंड लिफ्ट फैसिलिटी। हैप्पी चौक, उत्तम नगर, कनेक्टिविटी, मार्केट एरियाज बहुत नज़दीक, बहुत अमेजिंग फ्लैट है। फटाफट से ग्लोबल होम वेंडर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और दोस्तों आपको एक और अमेजिंग फ्लैट दिखाने वाले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही बेहतरीन फ्लैट होगा, बहुत ही अमेजिंग प्राइस, कनेक्टिविटी सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको। उसके अंदर कनेक्टेड फ्लैट इससे अमेजिंग प्राइस पे नहीं मिल सकता। हमेशा कहते हैं ग्लोबल होम वेंडर्स हमेशा ध्यान रखता है आपकी बजट का, आपके प्राइस का, सैलरी, लोन, हर चीज़ का सोल्यूशन है हमारे पास। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर ड्रीम होम, ग्लोबल होम वेंडर्स। पहुंचिए फटाफट हमारे ऑफिस में, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कॉल कीजिए, अपनी क्वेरीज बताइए और फ्लैट आपका।